बॉलीवुड से इस वक्त की बड़ी खबर और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बताते चले कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म को बड़ा झटका लग सकता है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म फाइटर, जो कि सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, लोग इसको लेकर के काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब इसी फिल्म को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के लिए एक बुरी खबर। बताते चले कि जहां एक और ये फिल्म इंडिया में रिलीज कर दी गई है, कई देशों में इस फिल्म का लुफ्त लोग उठा रहे हैं, तो वहीं कई खाड़ी देशों में इस फिल्म को बैन भी कर दिया गया है, यानी कि फिल्म को बैन का भी सामना करना पड़ा। बताते चले आपको कि ये खबर ये सामने आ रही थी कि यूएई को छोड़कर कई खाड़ी देशों में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो यूएई में भी सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है, यानी कि कई मेजर थिएटर्स चेन से बुकिंग ऑप्शन हटा दिया गया है। यूएई में फाइटर के सस्पेंशन की कंफर्मेशन हाल में ही फिल्म यूएई डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से की गई और इसको सुनने के बाद फैंस काफी शॉक्ड हैं। हालांकि बैन की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं रिपोर्ट्स का दावा है कि फिल्म में कुछ आपत्तिजनक कंटेंट है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं बताते चले कि यह फाइटर को PG-15 क्लासिफिकेशन के साथ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में रिलीज किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि खाड़ी देश क्षेत्र बॉलीवुड फिल्मों के लिए प्रमुख विदेशी बाजार में से एक है, एक ऐसा बाजार जहां पर हिंदी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में सबसे ज्यादा चलती हैं। ऐसे में बैन की वजह से दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर फाइटर को कुल कलेक्शन पर काफी ज्यादा यहां सामना करना पड़ सकता है, एक बुरे हाल से गुजरना पड़ सकता है। बताते चले कि फाइटर जहां 25 करोड़ से इसकी जो पहली कमाई है वो शुरू हुई है, वहीं ये एक बड़ा झटका। खाड़ी देश जहां पर बॉलीवुड की फिल्में सबसे ज्यादा चलती हैं, एक बड़ा बाजार है बॉलीवुड के लिए, वहां पर इस फिल्म का बैन होना अपने आप में ही मेकर्स के लिए बड़ी दुख की खबर है और साथ ही बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। बता दें, सिद्धार्थ आनंद की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान ने खाड़ी बाजार में $12.6 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। वहीं यूएई में इसकी सबसे ज्यादा कमाई हुई थी। भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। और वहीं ऋतिक रोशन की पिछली ब्लॉकबस्टर वॉर भी खाड़ी देश में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही। खाड़ी देशों से लगभग $5 मिलियन का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। तो वहीं अब फाइटर के बैन होने की वजह क्या है ये सामने नहीं आ रही है और इसी बीच में ये फिल्म बैन हुई है। यूएई को छोड़कर कई खाड़ी देशों में बैन होने की खबर पहले से ही सामने आ रही थी, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो यूएई में भी कई जगहों पर टिकट्स नहीं मिल रहे हैं, फिल्म को सस्पेंशन का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह अभी भी खाड़ी देशों ने नहीं बताई। इससे पहले बताते चले कि पाकिस्तान के कलाकारों ने फाइटर को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, कुछ आलोचनाएं की थी। दावा ये किया गया था कि पाकिस्तान के खिलाफ बुराई इस फिल्म में दिखाई गई है, जिसको लेकर के खुद निर्देशक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और निर्देशक का कहना था कि इस फिल्म को पहले देखा जाए, फिल्म को पूरा देखने के बाद ही इस पर कोई भी विवाद खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में जहां पाकिस्तान के कलाकारों ने इसकी आलोचना की, तो वहीं कई खाड़ी देशों में ये फिल्म बैन कर दी गई है। यूएई में इस फिल्म को सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। कई मेजर थिएटर चेन से बुकिंग ऑप्शन हटा दिए गए हैं। मेकर्स को करोड़ों का नुकसान, बॉलीवुड को बड़ा झटका और फाइटर, जिसके लिए दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन लंबे वक्त से काम कर रहे थे, उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका साबित हुआ है।